ये भी हमारा वर्टिकल सेक्शन का ही फॉल्ट है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये वर्टिकल आईसी का फॉल्ट नहीं होता है। ये फॉल्ट होता है एक तो एग, दूसरा किट, तीसरा कॉइल और चौथा प्रॉब्लम आपके सामने रखता हूं। तो इस टीवी में क्या प्रॉब्लम है ये पहले बता देता हूं। ये कहां से आते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन आज के इस प्रोडक्ट में फॉल्ट क्या है और कहां से है ये मैं आपको बता देता हूं। तो इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको ऐसी नॉलेज मिले, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले, और चाहे तो शेयर भी कीजिए ताकि किसी और को भी ये जानकारी मिले। तो इस टीवी को मैं थोड़ा घुमा लेता हूँ। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि आपको उस क्वेश्चन का आंसर और आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको यहाँ से बता सकूं। तो इसे मैंने घुमा लिया है, अब थोड़ा कैमरे को भी मैं इस पर फोकस कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। तो मैंने इस कैमरे को अपनी टीवी की तरफ घुमा लिया है। तो फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ अपना घिसा पिसा डायलॉग, आईने में देखिए, ठीक है। और यहाँ पर हम मल्टीमीटर की जरूरत सहायता से चेक करेंगे यहाँ पर आने वाले वोल्टेज, जो कि रेगुलर आपको चेक करने ही करने हैं। वहां पर भी इसका फॉल्ट निकल सकता है, आप बोलेंगे कैसे, अगर कोई वोल्टेज मिसिंग होता है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्रोमा आईसी से जाने वाला जो सिग्नल है वो वीक होने के कारण आपको ये दिक्कत उठानी पड़ सकती है। तो मीटर को मैंने 200 के रेंज पर रखा है, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू इसके चेक करता हूँ, जो डायोड है उसकी खराब है या, ये देख रहे हो यहाँ पर ऑडियो का है 00.6, ये है अपना स्टैंड बाय का 00.2, और ये है 00.1, ये 1 कभी भी रह सकता है, और ये अपना 110 का वोल्टेज यहाँ पर पूरे 00 है। तो ये तो ओके है, यहाँ पर कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट नहीं दिख रहा है। तो ये अपना बीयू का कनेक्शन देख रहे हो, यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पर हमें बीप बजने की मिल सकती है, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हमें कंटिन्यू पर चेक करना है। आप कंटिन्यू देख सकते हो 1500 के आगे है, यहाँ पर स्टैंड बाय का है ये भी 00 है, यहाँ पर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है। और ये है अपना कंटिन्यू देख रहे हो जो बीयू का है, अगर बीयू का कुछ प्रॉब्लम हो तो इस प्रकार से दिखा देता है। अब बारी आती है कि प्रॉब्लम होता है वर्टिकल सेक्शन से, ऐसा आपका मानना होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक पीएफ भी होता है, जो पीएफ लास्ट को 4 आते हैं, जैसे 904, 704, इस प्रकार का पीएफ होता है जो खराब होने के बाद भी ये फॉल्ट आते रहते हैं। तो फर्स्ट तो मैं इसे वोल्टेज को ऐड कर देता हूँ अपने बोर्ड में, और देखते हैं कौन सा वोल्टेज जो है मिस हो रहा है, जो कि ये प्रॉब्लम इसमें आ गया है। तो टीवी अपना चालू हो रहा है, 200 के रेंज पे मैंने इसे रखा है अपने मीटर को। तो हल्का सा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, नहीं दिख रहा है, ठीक है, जान दो, हाँ आप दिख रहा है, देख सकते हो लाइनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही। तो वोल्टेज तो सही है, पहला 114, दूसरा 14, तीसरा 9 से 10, चौथा 12 से 20 तक, ठीक है। तो टीवी स्टैंड बाय, इस कारण से मैं बीयू को छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बीयू के स्पार्किंग हो जाएगा, बीयू खराब हो सकता है। और रही बात ट्यूनर की 5 वोल्टेज की, तो ये ग्राउंड है और ये देख रहे हैं यहाँ पर इसका जो 5 वोल्टेज होता है यहाँ पर 82 आ रहा है, 3.3 है, तो ये है इसका 5 वोल्टेज, हाई वोल्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका वर्टिकल की बात करें तो देख रहे हो वर्टिकल 14, फिर दूसरा जो होता है माइनस वोल्टेज होता है जो कि 14, तीसरा भी है प्लस होता है जो कि 14, तो ये वोल्टेज भी ओके है। तो अब हम चेक करेंगे इसके योग को आने वाले वोल्टेज, जो कि ये प्रॉब्लम योग सेक्शन से है, एक तो योग खराब है या उसी सेक्शन से वोल्टेज जाने वाली खराब है। तो योग को चेंज कैसे करते हैं वो दिखाएंगे। तो मीटर को हमें कंटिन्यूटी पर रखना है, ठीक है, कंटिन्यूटी पर मैंने इसे रखा है, देख रहे हो यहाँ पर इसका बीप बज रहा है।
बीप भी बज रहा है और आपको ओम्स भी दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो पावर केबल को मैंने निकाल दिया है और यहाँ पर अपनी बीयू के जो चार पॉइंट होते हैं, जैसे कि बीयू का मतलब पॉइंट, फिर बाद में दूसरा, फिर चौथा, तीसरा और ये चौथा, योग के जो चार वायर होते हैं। तो इसके पहले वायर को हम चेक कर देते हैं, देख रहे हो यहाँ पर क्वांटिटी बज रही, जैसे बीयू के बीच और बीच। फिर दूसरा जो होता है उसके बाद भी देख रहे हो यहाँ पर भी योग क्वांटिटी भी दिखा रहा है 20 वोल्ट और क्वांटिटी भी बज रही, मतलब योग भी ठीक है। तो योग ठीक है तो प्रॉब्लम क्या है? वर्टिकल भी ठीक है, योग भी ठीक है, अब कहाँ से मिलेगा हमें फॉल्ट? तो इसका मैं आपको बता दूं कि पीएफ भी मैंने चेंज किया लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं गया है। पीएफ को हम मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने टीवी को ऑन किया तो अब योग में जो वोल्टेज मिलते हैं, जैसे कि हमें योग में कितना वोल्ट मिलता है, व्यू के बीच वाले पॉइंट को 110 और दूसरा जो वोल्टेज होता है व्यू के दूसरे वाले पॉइंट को भी उसी प्रकार से आनी चाहिए। तो यहां पर हमें वोल्टेज मिल रहा है कितना, 112 वोल्ट, ठीक है 112 वोल्ट यहां पर मिल रहा है। लेकिन यहां कर इसके बीच के अंदर यहां पर देख रहे ये वाला होता है कॉइल का पॉइंट, ठीक है थोड़ा नजदीक लेके जाते हैं पर, ठीक है आपको जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं, यहां पर होता है अपना एक कॉइल जो कि इससे कंटिन्यूटी से इसे जोड़ता है, जो कि यहां पर हमें पीएफ के पास ये लेके जाता है, जो पीएफ होता है लास्ट को 744 794 700 कुछ भी जो भी जिसके नाम बाद में चार आता है लास्ट को, ठीक है ये वाले पीएफ के पास। तो मल्टीमीटर की बात करें तो यहां पर कुछ भी नहीं है और यहां पर भी कुछ भी नहीं है। तो आपको बता दो इस जगह पर हमें वोल्टेज मिलना चाहिए क्योंकि रेड कलर का पीएफ होता है वो, ठीक है। तो यहां पर कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम यही है। देख रहे हो यहां पर योग के वाले पॉइंट को आ रहा है लेकिन इस वाले पॉइंट को वोल्टेज नहीं आ रहा है, यहां पर भी वोल्टेज मिलना चाहिए। तो मैंने इसे चेक किया तो इस जगह पर मुझे एक रजिस्टर मिला है जो कि जल गया है पूरी तरह से, ये होता है इसी कॉइल के ये नजदीक में, ठीक है। तो ये रजिस्टर नहीं लगाए तो भी चलेगा, अगर है तो लगा सकते हैं। ओम्स मैं आपको इस डिस्क बॉक्स में लगा दूंगा। तो देख रहे हो यहाँ पर कॉइल का कोई मसला नहीं, टीवी चालू है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा कैमरे को साइड को लेते हैं और कंटिन्यू पे चेक करेंगे कि कॉइल यहाँ पर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो कंटिन्यू जो है वो बजनी चाहिए तभी हम समझेंगे कि कॉइल अपना ओके है। देख सकते हैं यहां पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी बज नहीं रहा है, देख रहे कुछ भी नहीं। तो कॉइल होता है वो डायरेक्ट होता है लेकिन हम डायरेक्ट जम्पर उसमें नहीं कर सकते। तो ये रजिस्टर है अपना 1000 ओम्स का 984। तो रजिस्टर तो ओके है लेकिन ये इसका हिट हो गया है, इस कारण से ये 1001 के ओम से नीचे आ गया है। तो लगा भी सकते हो या नहीं लगाए तो भी चलेगा, अगर कुछ टीवी में अल्ट्रा वगैरह टीवी में ये लगता ही है, ये अपना सिंपल किट है इस कारण से इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएंगी। तो यहाँ से मैंने इस कॉइल को रिमूव किया है जो आपको बता सकूँ कि किस प्रकार से कॉइल है। देख सकते हो ये नया वाला कॉइल मैंने दूसरे किट से लिया है जो कि ये शॉर्ट हो गया था, तो इसे मैंने इसे चेक किया, देख रहे हो यहाँ पर एक कंटिन्यूटी दिखा रहा है, जो पहला वाला जो कॉइल था वो कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं दिखा रहा था, ठीक है ये देख रहे हो ये चेक करें तो दिखा रहा है। तो अब इसे हम शोल्डर करके देख लेंगे कि इसमें फॉल्ट होता है या नहीं। तो मैं इसे ऊपर से ही शोल्ड करूंगा ताकि आपको दिखा सकूं कि टीवी में फॉल्ट क्लियर हुआ है नहीं, अगर क्लियर होता है तो आप इसे नीचे से लगाएंगे और अपना सेट जो है पूरी तरह से ओके हो जाएगा। तो इसमें पावर इन करता हूं, तो यहाँ पर इसमें मैंने पावर इन करा है और मल्टीमीटर को रखा है हमने 200 के रेंज पे, जो अपना रेगुलर है वो माइनस पॉइंट को लगाएंगे टीवी के, सीआरटी टीवी के, ठीक है माइनस को इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पर हमें वोल्टेज चेक करने कि टीवी में आए है या नहीं, थोड़ा से उठा लेंगे ताकि आईने में हमें दिखे कि यह प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं।
तो टीवी यहाँ पर ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो पूरी तरह से यहाँ पर राष्ट्र जो है इसमें आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पर मेनो भी है, पूरी क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अपना टीवी का जो फॉल्ट था वो यहाँ से निकल चुका है। तो आपको मैं वोल्टेज की बात कर रहा था, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं वोल्टेज वही चेक करके दिखाता हूँ वहाँ पर आता है या नहीं। तो कॉइल को लगा दिया है तो हम वोल्टेज चेक करेंगे वहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा, जो पीएफ के पास आना चाहिए। देख सकते हो यहाँ पर मल्टीमीटर पे, ठीक है आ रहा है, जो वाले पॉइंट को वोल्टेज नहीं आ रहा था उस वाले पॉइंट को वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो आप समझ चुके हैं कहाँ से प्रॉब्लम निकल रहा है। तो बाय दोस्तों।